अंशु सबका हाय सर हाय बेटा अंशु ऋषि अरोरा यम्मी तो सॉन्ग है यम्मी यामी यामी ओके ओपी चेतु हाय हाय हाँ बेटा चेतु लेक्सिले हाय सर जी हाय अंशु सबका हाय हाय बेटा तो सभी यहाँ पे लाइव आ चुके हैं तो हम बिना देरी करे हमारा चैप्टर चालू करते हैं जोग्राफी का ठीक है एक मिनट का वेट करते हैं करे का ना करे बोलो बेटा सबसे पहले बताओ कि आवाज वगैरह आ रही सबको क्लियर आवाज आ रही है ठीक है एम ऑडेबल हिंदी में लो या मराठी में लो ओपे थे तू कुछ तो भी कमेंट की रिट्रैक्टेड हो गई कोई बात नहीं ठीक है तो स्टार्ट कर ही देते हैं लगभग जो सारे बच्चे वो ऑनलाइन आ ही चुके हैं विनोद जैन एक नंबर दिख रहे <laughs> थैंक यू ओके इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक है जैसा कि हमने इंटरनेशनल डेट लाइन का जो पार्ट फर्स्ट है बच्चों ये कल देख लिया था ठीक है और कल आप सबने बहुत मिस नहीं किया होगा और किसी ने मिस किया है तो प्ले लिस्ट में इसका part first से देख ले ताकि आपको इस चैप्टर को लेके दिमाग के अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना हो हमने इस प्रकार से चीजें सिखाई थी कल और आज भी हम उसी प्रकार से सिखाएंगे आगे भी उसी प्रकार से सिखाते रहेंगे कि सीधा आपके छोटे मेन्दु के अंदर जो है सब कॉन्शियस माइंड जो रहता है उसके अंदर जो है ये चैप्टर सीधा स्टोर हो जाए हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए ताकि आई एच डी तो ग्रीन विच जो, जो ग्रीन विच जो रहती है उसको लेके आपके दिमाग में कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई भी डाउट ना रहे सर घूम के मस्त सर झूम के मस्त सर <laughs> मस्तने कान में लेडीज जैसा क्या पहना है लेडीज जैसा नहीं है बेटा उसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं स्टफ बोलते हैं ठीक है आ, वो आजकल का ट्रेंड है ठीक है तो इसलिए भाई थोड़ा सा फैशन के साथ चलना चाहिए ठीक है हिस्ट्री के टीचर है बदलता इतिहास जो है वो अपनाना चाहिए फैशन के साथ चलेंगे तभी तो कहलाएंगे ना हिस्ट्री के टीचर यानी कि के तो फैशन के साथ में चलते चल हैं है, वो है। पहनती है, है इसको ईयर स्टफ बोलते है और वो झुमका नहीं है कौन बोल रहा है ये झुमके वाला चलो ठीक है मस्त लगा ना आपको बस अभी लेक्चर भी देखो कैसे मस्त लेते ठीक है तो इंटरनेशनल डेट लाइन पार्ट सेकंड जोग्राफी क्लास नाइन्थ स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में इंट्रो दे देता तो, हूँ तो आप सभी जानते हो लेकिन जैसे भी भविष्य में वीडियो अगर कोई नवा बच्चा देख रहा होगा या फिर अभी कोई लाइव चैट को कोई नवा बच्चा ज्वाइन करेगा तो उनको इजी मतलब मेरे बारे में थोड़ी तो सी जानकारी मिल जाएगी मेरा नाम है माही प्रजापति मैंने बीएससी कंप्लीट किया है केमिस्ट्री के अंदर एनएम यूनिवर्सिटी से जब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था बेस्ट इन्फ्लुएंसर एंड बेस्ट स्पीकर का मुझे अवार्ड मिला था पांच साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है साथ ही मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और उस चैनल पर मैंने लाखों बच्चों को जो है वो पढ़ाया है और साथ ही मैं अन अकेडमी के एम एच बोर्ड यूट्यूब चैनल पे वेरीफाइड टीचर भी हूँ तो समझ लो बाड़ो मजा भेटली तुम्हारा या सोब मैं तुम्हारा एक गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बेटा ठीक है तो इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन और देता हूं कि सोशल साइंस यानी कि एस एस टी जो है इसके लेक्चर में रोज आपके लिए लाइव लेके आता हूं क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के लिए बच्चों ट्यूजडे से लेके संडे तक जो है रोज हमारे लेक्चर रहते हैं अब मंडे को भी मैं लेक्चर दूंगा एमपी क्वेश्चन टिप्स स्टडी टिप्स जो है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा यानी कि पूरे हफ्ते सर आपके साथ में क्या रहेंगे बच्चों लाइव रहेंगे आपके जो डाउट है वो लाइव यहाँ पे आपको सोल्व करा के देंगे मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए सुबह ग्यारह बजे जो है वो लेक्चर लेता हूँ लाइव और स्टैंडर्ड के लिए शाम को पाँच बजे जो है वो लाइव लेक्चर लेता हूँ तो लेक्चर क्या है लाइव देख सकते हैं ऐसे कभी कभी आपको लाइव देखने का मौका नहीं मिला तो बाद में भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में से कोई दिक्कत की बात नहीं तो चैप्टर में कल हमने क्या क्या देखा तो वापस से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते ताकि आपको क्या हो मदद हो स्टडी के टाइम पे पेरा रोज का डायलॉग है देख बेटा अंशु अभी सब लोगों के तरह जो डायलॉग है ना वो रट रट लिया मतलब सबको रट्टा हो गया वो डायलॉग ठीक है आपके बाल मस्त है आपके बाल ये नहीं आने वाला आपको एग्जाम में आपको क्या करना है स्टडी पे आप फोकस करो आप कभी ऐसा नहीं बोलते हो सर आपका लेक्चर मस्त है सर आपका टॉपिक मस्त है कभी ऐसा नहीं बोलते सर बाल मस्त है सर मुच्छी मस्त है झुमका अच्छा ठीक है अरे भाई लेसन पे फोकस करो चैप्टर पे ओके अब यहाँ पे ने कल देखा था कि अपने को सबसे पहले चार टाइम चार्ट बताया था वेलकम टाइम चार्ट बताया था कौन कौन को याद है और कौन कौन बच्चे भूल गए देखो ये टाइम चार्ट था ये टाइम चार्ट में अपने को क्या बताया गया था कि कौन सी जो कंट्री कौन सी जो सिटी है इसने सबसे पहले न्यू ईयर को वेलकम किया और किसने न्यू ईयर को सबसे लास्ट में वेलकम किया ये अपने को टाइम चार्ट में कल बताया गया था तो याद है सबको अंशु सबका लड़की वाला ओके यामी सर आई एम यम्मी सर आई एम न्यू न्यू हो कोई बात नहीं बच्चा बने रहे हमारे चैनल पे आने के बोर्ड पे एमएच बोर्ड इसके बाद में देखा था जर्नी ऑफ मिनल एंड सुनील यहाँ पॉइंट था कल का जो चैप्टर था उसका पार्ट फर्स्ट जो था था हमने पे खत्म किया मिनल और सुनील की जर्नी पे तो मिनल और सुनील की जर्नी में क्या बताया था क्या बताया गया था अपने को मिनल बहन और सुनील भाई जो थे कहा गए थे वो घूमने गए थे कहा घूमने गए थे तो वर्ल्ड टूर पे गए थे पृथ्वी का पूरा जो चक्कर है वो लगाने गए थे ठीक है पूरा जो ग्लोब है वो उन्होंने घुमा था एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में अब एक जो मिनल बहन है वो अलग डायरेक्शन में गई थी जो तो सुनील भाई वो वे डायरेक्शन में गए थे और घूम के आए घूम के आने के बाद में उनका मन प्रसन्न होना चाहिए ना लेकिन उनके मन में क्या आ, आ गया था कन्फ्यूजन आ गया था कन्फ्यूज आ गए थे भैया वो ठीक है होता भांडन लगल तो, तो का आप थर्सडे गेला गलाठन मिनल मनत होती का मैं प्रमाण मैं जिथे फिर मैं प्रमाण आज बुधवार है सुनील मन होता का मैं प्रमाण आज का शुक्रवार है वो दोनों थर्सडे को निकले थर्सडे पे उनके जिंदगी से गायब हो गया था तो पे हमने कल का जो पॉइंट था वो क्लोज किया था आज हम इनका झगड़ा सुलझाएंगे कि थर्सडे लाइफ से कहा गया और कौन सही था फ्राइडे वाला सही था या फिर वेनेसडे वाली सही थी ठीक है तो ये सारी जो चीजें हम आज के चैप्टर में देखने वाले हैं बहुत ज्यादा आपके जो माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कल रात को आप सो नहीं पाए या फिर आपने पढ़ाई करके इसका आंसर पहले ही ढूंढ लिया क्योंकि आपने माही सर का लेक्चर देख लिया था तो आपके माइंड के सब जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे आई हुए ही होंगे नहीं हुए तो आज क्लियर हो जाएंगे कोई बात नहीं बच्चों थोड़ा सा टाइम लगता है हम गलती करने के बाद ही तो सीखते हैं जो गलती करता है वही आगे बढ़ता है ठीक है तो देखते हैं कि मीनल और सुनील का जो डाउट है जो प्रश्न है जो झगड़ा है वो आज सॉल्व होता है या नहीं होता है नहीं होता है तो कैसे होगा वो आप मेरे को सजेशन दे लाइव बॉक्स में लाइव कमेंट बॉक्स में ओके सर तुम्हारा मराठी का मग बेटा आम्हाला मराठी पण येते आणि मी मराठीमध्ये पण शिकू शकतो आणि मी मराठीमध्ये शिकवणार सुद्धा आहे तुम्हाला फोर्टी किंवा फिफ्टी पर्सेंट जे आहे मी मराठी भाषेचा प्रयोग करणार आहे माझ्या प्रत्येक लेक्चरमध्ये जेणेकरून तुम्हाला काय होईल एक एक प्रकारे सुविधा होऊन जाईल तुमच्यासाठी ठीक आहे तुम्हाला एक मराठीमध्ये कम्युनिकेशन केलं की कसं तुम्हाला आपलं आपलं असं वाटतं आणि सर आपल्या महाराष्ट्राचे सरांना मराठी सुद्धा येते तुम्हाला लवकर जो टॉपिक येतो तुम्हाला लवकर कळेल ठीक आहे पूर्व हमेशा केली हो जाएगा आपके दिमाग स्टोर हो जाएगा इंटरनेशनल डेट एंड लाइन क्या होता है वो हम देखेंगे आईडीएल ठीक है आईडीएल यानी इंटरनेशनल डेट एंड लाइन अब कल तो हमने मेरिडियन देखा मेरिडियन क्या है उसके बाद में इंटरनेशनल डेट एंड लाइन क्या है वो हम आज देखेंगे क्या रहता है ठीक है तो कंफ्यूज आना नहीं है बिल्कुल भी सर जो आपके डाउट जो पूरे आज एकदम सॉल्व करके देंगे उसके बाद में देखेंगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ आईडीएल आइडियल क्या है वो देखेंगे और उसकी जरूरत क्या है उसको इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है क्या महत्व है, है? सर्व अपन आज के चैप्टर में दे। पाना रहा है पार्ट टू और इसी के साथ पार्ट टू जो है ना कोशिश करेंगे कि आज हम इसको क्या कर दे सुलटा दे, दे इसको पूरी तरह से और आपके छोटे जो सब कॉन्शियस माइंड रहता है उसके अंदर क्या कर दे? उसको स्टोर कर दे जिंदगी भर के लिए परमानेंट मेमोरी हम जिसको बोलते हैं मतलब आप कभी भूलेंगे क्या में भी आपको पूछा आइडियल आपको लग गया चाहेगा माही सर का लेक्चर हाँ आइडियल हाँ ये ये वाली लाइन मेरिडियन आइडियल आप बता देंगे आइडियल ऐसा होता है ओके okay. उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि लाइव कमेंट बॉक्स में जो आपको टेलीग्राम की लिंक दिख रही है उस पर ज्वाइन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें क्योंकि आपको इस पर मिनट पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाता है जब भी मेरा लेक्चर आने वाला रहता है मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अन अकेडमी जो प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ऑफर रहती है उसकी जो जानकारी रहती है यहाँ पे मिल जाती है ठीके? जो क्यूज होते हैं ठीक है जो मेटीज रहते हैं अलग अलग यहाँ पे ट्विटर है अन अकेडमी के सारे ट्विटर है यहाँ पे तो जो भी बेस्ट चीजें बेस्ट डील बेस्ट ऑफर और स्टूडेंट के लिए जो भी सारी चीजें जो है तुम चाहे हिता बनो ली जा आपके हित के लिए जो बनाई गई है या फिर और बन, बनने वाली है वो सारी चीजों की नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम के इस ग्रुप से मिल जाएगी तो अभी जाके टेलीग्राम चैनल के करें ज्वाइन करें बोलते हैं आप थैंक यू बेटा हमें महाराष्ट्र है वैसे तो इतने हंड्रेड परसेंट मेरे को नहीं आती है लेकिन जितना भी आती है जैसे मेरा जन्म महाराष्ट्र में होता थोड़ी 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 मतलब सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट माला मराठी ये जो एक्सेंट है मराठी तो इतना फ्लूएंट नहीं है बट इट्स ओके जितना भी आता है, है। उतना मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा और माला अभिमान माला जितका ज्ञान है कामत पड़े तो गोष्टी तो के क्या हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे मैंने बताया था बच्चों आपको कल ये वापस से मैं बता देता हूँ क्योंकि दो तीन बच्चे यहाँ पे मेरे को लेक्चर में नवे दिख रहे हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मैरिडियन बोलते हैं कितनी रहती अपने पृथ्वी के ऊपर तीन सौ साठ रहती है कितनी तीन सौ साठ अब 360 सौ साठ मेरिड का जो आधा है उसको हम बोलते हैं तीन सौ साठ का जो आधा रहता है वो एक सौ अस्सी तो जब ये पृथ्वी पूरी तीन सौ साठ मेरिडियन घूम जाती इसको है इसको लगता है चौबीस घंटों का समय ठीक है चौबीस घंटे में पृथ्वी यहाँ से समझो इसने स्टार्ट किया तो वापस से यहाँ पे आ जाती है यहाँ पे साठ ही मेरेडियन दिया है बट एक्चुअली वो तीन सौ साठ मेरेडियन है इतने मेरेडियन अगर यहाँ पे बना लेते थे इस इमेज में आपको समझ में नहीं आता था बहुत बारीक 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 रेखाएं हो जाती थी यहाँ पे रेखाएं नहीं मेरिडियन लाइन जो है ठीक है अब एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में ट्रैवल करने, पे, ट्रैवल करने को कितना टाइम लगता है कोई भी जवाब नहीं दे रहा है हाँ चार मिनट लगते एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में ट्रैवल करने को चार मिनट लगते ठीक है दस मेरिडियन में मतलब पहले नंबर से दस रुपए चालीस मिनट लगेंगे पहले नंबर से तीसरे नंबर पे गए 120 मिनट लगेंगे 120 मिनट मतलब कितने घंटे दो घंटे ठीक है तो इतना टाइम लगता है इसलिए मैं रिकॉल कर रहा था माइंड के अंदर क्लियर हो जाए समझ रहे हो ओ तो तो भाई अंशु गया तू ठीक है और यहाँ पे आपने देखा पृथ्वी जो रहती है वो सूरज के सामने जो है वो इस साइड से इस साइड में घूमती है लेट ले, आंसर ले दे के क्या है अच्छा हाँ हाँ सॉरी मेरा जो बीस तीस सेकेंड जो है वो लेट आपको मिलता है जो है रखेंगे और तो आपको मारवाड़ी भी आती है क्या फिर मारवाड़ी भी आती है मेरे को मारवाड़ी फैमिली से ही हो तो मेरे को मारवाड़ी भी आएगी ना मारवाड़ी मराठी थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोल देते हैं हम क्योंकि मेरी मम्मी जो थी वो पंजाब साइड से थी मेरी ओ, तो अर्थ आपको पता है इस साइड में जो है वो घूमता है ठीक है तो ये मेरे को एक्सप्लेन करने की आपसे आप जरूरत नहीं बचपन से सीखते आ रहे हैं मैं इस टॉपिक को लेकर आपको और बोर नहीं करना चाहता काम की बातें सीखेंगे सिर्फ जो भी आपको छोटे में क्या हो जाए, हो जाए जाए स्टोर हमेशा हमेशा के लिए जैसे हमारी लाइफ में कुछ अच्छी यादें रहती है ना और कुछ बुरी यादें रहती तो अच्छी यादें जो रहती है हम उनको क्या करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए अपने छोटे माइंड में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो जो अच्छा स्टडी मटेरियल जो अच्छा एडुकेटर हमको सिखा रहा है एक यूनिक स्टाइल में तो हमारे लाइक uh, like, हमारा जो छोटा वाला जो तो रहता है ना सब कॉन्शियस माइंड उसमें uh, हमेशा के लिए क्या हो जाता है वो कैद हो जाता है एक प्रकार से सर एक मारवाड़ी डायलॉग हो जाए मारवाड़ी डायलॉग कई बोलू बेटा मारवाड़ी डायलॉग मारवाड़ी में सिखा के बताऊंगी था ना मारवाड़ी भी आओ मैने गणित चौकी आओ मने, मने मारवाड़ी क्योंकि मारवाड़ी फैमिली से ही ओके ठीक है तो यहाँ पे हमने जो टाइम चार्ट है देख लिया था कि न्यू ईयर कहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे पहले सेलिब्रेट हुआ था और कहाँ पे सबसे लास्ट में सेलिब्रेट हुआ था चार्ट हमने कल देख लिया था अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके इसको जरूर देखे चैप्टर सेवन सॉरी ये भी हमने कल देख लिया था कि भाई कौन सा साल सबसे पहले आया और कौन सा साल आ, मतलब कौन से कंट्री ने सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट किया कौन से कंट्री ने बाद में किया उनका क्या रीजन है ऐसा क्यों हुआ ये सब हमने कल देख लिया था ठीक है और बाद में सुनील और मिनल जो है इनकी जर्नी हमने देखी थी सुनील भाई जो थे ठीक है सुनील भाई जो थे वो इस डायरेक्शन में गए थे मिनल बो थी इस डायरेक्शन में गए दोनों सेम टाइम पे सेम मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब तीस तीस मेरिडियन का सफर थे एक सौ अस्सी डिग्री पे ये मिले कि जब एक सौ अस्सी मेरिडियन जब पृथ्वी घूम चुकी थी तब ये पे मिले आधी रात को ठीक है लेकिन फिर भी मतलब अब ये जब आगे अपने मुकाम इन्होंने अपनी यात्रा चालू करी थी वहां से वापस पहुंचे तो इनको लग रहा था कि भैया फ्राइडे है और इनको लग रहा था कि वेडे और ये निकले थर्सडे वाले दिन थे कब निकले थे थर्सडे वाले दिन थे सुबह बारह बजे और इनका पहुंचने का टाइम भी यही था फ्राइडे के दिन इनके हिसाब से फ्राइडे वाले बारह पहुंचे और इनके हिसाब से अब इनके अंदर चल रहा है भाई हमको मिटाना है इनका झगड़ा क्या करा के देनी है इनके समझूतस्टैंडिंग होगी इनके अंदर या फिर जो भी है वो चीज हमको क्या करा के देने दूर करा के देने तो बोलो करा दे जवाब नहीं आ रहा आपकी और से। मेरे बच्चों ठीक है और देखेंगे विच डे दे इज करेक्ट कौन सा दिन जो था वो करेक्ट था मीनल वाला या फिर सुनील वाला अंशुदे सर आपके वाइफ का नाम बताओ अरे भाई शादी नहीं हुई है रे मेरी वाइफ का नाम बताओ बोले अनमैरिड है सर सिंगल है आसे वाइफ का नाम बताएंगे अर्थ रोटेशन तो लगता है सर को देख के सर की वाइफ होंगी हाँ इतनी बड़ी उम्र है मेरी अरे भाई तुमसे दो चालीस साल बड़ा होऊंगा मैं विनोद <laughs> जैन क्या पूछे सर ठीक है अंशु को ध्यान ना इधर उधर ज्यादा भटक रहा है अभी सर मुझे आपका नाम बहुत पसंद आया गर्लफ्रेंड तो का नाम बताओ अरे भाई वो वो जो आप जो मेरे अच्छे नसीब ने कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी या फिर इतना टाइम भी नहीं होता है मैं ज़्यादा जो टाइम है वो बच्चों को सिखाने के अंदर जो है वो स्पेंड कर देता हूँ मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है उसके बाद में यूट्यूब चैनल उसके बाद में अनअकेमिका है जो एम एच बोर्ड चैनल है यहाँ जगहों पे सिखाना पड़ता है आपके जैसे नोटे नोटे जो बच्चे रहते हैं इनको आंसर कैसे करूँ ये सब दिन भर मेरे को सोचना पड़ता है ठीक है इसके बाद में छह घंटे की नींद भी जरूरी है वो छे घंटे भी अगर मैं ऐसे मेरे फीमेल फ्रेंड के चक्कर में लग के उनसे बात करके अगर स्पेंड कर दू तो फिर आपको मैं ठीक से टाइम नहीं दे पाऊंगा इसलिए उस चीज को मैंने क्या रखा है बच्चों दूर रखा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या दू टाइम दू ठीक है चार बच्चे होंगे सर आपके अच्छा ये आप मेरे को भविष्य बता रहे हो क्या कि इन फ्यूचर मेरे चार बच्चे होने वाले हैं चलो ठीक है ठीक है अच्छी बात है बच्चों से घर क्या लगता है भाई हंसता खेलता जो घर है हमारा ठीक है जो पटांगन है जो कंपाउंड है उसमें अगर बच्चे हंसते खेलते दिखाई दे तो हमारा भी मन प्रसन्न रहता है ठीक है तो थैंक यू आशीर्वाद के लिए के आपने आशीर्वाद दिया मेरे को मैं आपका बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसमें आभारी हूँ आभारी आहे। ओके मराठी नो में अभी तक तो बाबा के चार बच्चे नहीं है अभी तक तो बाबा के भी चार बच्चे नहीं अच्छा संजय दत्त की बात हो तो चलो ठीक है हम वापस से चैप्टर पे आते हैं अच्छा है क्लासरूम में से जो जोक्स वगैरह है जो बैक बेंचर है इनके साथ में कम्युनिकेशन होते रहे रोज तो इससे क्या होता है बॉन्डिंग पक्का होता है टीचर और बच्चों का ठीक है तो ये सारी जो चीजें ये होना भी जरूरी है हंसते खेलते पढ़ते रहेंगे तो ये चीजें आपको क्या रहेंगी जिंदगी भर याद रहेंगी हाँ माई सर के लेक्चर में हमने इतनी मस्ती की थी कि आप जब बड़े हो जाएंगे ठीक है आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक के तो अन जो है वो आपको हर चीज जो इसी चैनल पे प्रोवाइड करा के देंगे ठीक है आपके जो भी सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री सिविक जोग्रफी इंग्लिश मैथमेटिक्स बायोलॉजी फिजिक्स जो भी है यही पे आपको मिल जाएगा ठीक है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक के

तारा रेनबो में आ गई यमी सर ये उर्वी कौन है उर्वी माँ की जानी यमी पर क्या है हाय तारा थैंक्स फॉर कमिंग ठीक है जो भी अभी आपको चैप्टर पे ध्यान देना है अभी हाँ पे जो है ना उनके बीच के जो कन्फ्यूजन है वो सॉल्व करा के देंगे यहाँ पे ऐसा बताया कि बच्चों पृथ्वी के ऊपर इंसान ने बहुत पहले ही जो इंसान ने, ने जो पहले जो वैज्ञानिक थे साइंटिस्ट जो होते पहले से वैज्ञानिक जो होते ही बरबर पृथ्वी पर क्या क्या उन्होंने थ्री सिक्सटी मेरेडियन उसका हाफ वन एटी डिग्री फिर वो चौबीस घंटे घूमती है कहां से घूमती है तो वेस्ट से लेके ईस्ट में जाती है यानी समझो ये वेस्ट वाला डायरेक्शन है और ये ईस्ट वाला डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के अंदर क्या रहती है रोटेट होती रहती है और यहाँ पे सामने सन है ये उसके सामने रोटेट होती रहती है तो यहाँ से रोटेट हुई तो ये वाला हिस्सा जो है वो सन के सामने आया फिर यहाँ से रोटेट होंगी फिर ये वाला हिस्सा जो है वो सन के सामने आएगा फिर ये वाला हिस्सा जो है कुछ देर बाद में सन के सामने आएगा फिर ये 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 ऐसा इसको पूरी तरह से घूमने के लिए क्या लगते हैं चौबीस तास लगते है ऐसा वैज्ञानिकों ने पहले ही क्या कर क्या कर लिया था जो शोध बोलते अपन जिसको पता जो बोलते है, वो लगा लिया था ठीक है अब उनके हिसाब से ठीक है उनके हिसाब से जो ये सुनील बाबू अपने डायरेक्शन में गए ठीक है मतलब सुनील बाबू किस डायरेक्शन में गए अब ये समझो ये रहे हमारे सुनील बाबू ठीक है मेरे को इतनी अच्छी डर नहीं आती है लड़की वाली इमेज बना दी मैंने ठीक है ये मीनल बहन पकड़ लेंगे हम ये क्या है ये मिनल बहन है और ये हमारे सुनील बाबू है <laughs> हमारे सुनील बाबू है बिना हाथ वाले वो शोले के वो लग रहे हैं कौन थे वो ठाकुर तो ये हमारे सुनील बाबू ठीक है थीके? अब ये कौन से डायरेक्शन में गए थे तो ये ईस्ट वाले डायरेक्शन में गए थे और मिनल थी वो वेस्ट वाले डायरेक्शन में गई थी तो यहाँ पे ऐसा बताया कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए तो थर्सडे के दिन निकले थे तो इनके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था अब जब इन्होंने वन डिग्री जो है वो क्रॉस किया वन नंबर के जो मेरेडियन है वो क्रॉस की मस्त ड्रॉइंग आप जो टॉपिक है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो ठीक है आरो भाई जो आ भाई जोगिंदर जोगिंदर ओके तो 180 डिग्री पे जब इसने लाइन क्रॉस की तो इसके अकॉर्डिंग जो डे था वो थर्सडे टू फ्राइडे हो गया जो कि बराबर एक्यूरेट सही था इसके हिसाब से ये सही था तो चलो एक बात हमको क्लियर हो गई कि सुनील बाबू जो थे वो सही थे क्योंकि जब उन्होंने 180 डिग्री मेरिडियन क्रॉस की रात 12 बजे तो उनके हिसाब से दिन बदल गया क्योंकि हम भी समझो अभी बज रहे समझो ग्यारह चौबीस और है रात के 12 बजे जैसे हम जलगांव में तो रात के 12 बजे हम क्या पकड़ेंगे कि हाँ भाई संडे लग गया सैटरडे ख़त्म हो गया ठीक इसी तरह से सुनील जो है रात के बारह बजे जब उन्होंने जब मिड नाइट को वन डिग्री क्रॉस कर ली तो उनके हिसाब से थर्सडे खत्म हो गया था फ्राइडे लग गया था तो ये चीज तो हम पकड़ लेते कि ये चीज़ें क्या है बराबर है सुनील जो है आधी रात तक के जब फ्राइडे लगा था वन एटी डिग्री क्रॉस किया तो सुनील बराबर था फिर आगे चल के वापस से जब वो वन एटी के और आ गया और जीरो डिग्री पे आके जब वो मिनल को मिला तो उसके हिसाब से फ्राइडे था यहाँ पे ऐसा बताया कि वो फ्राइडे के दोपहर के बारह बजे मतलब जिस टाइम को उन्होंने सफर चालू किया था उसी टाइम पे वापस से जीरो डिग्री पे आके खड़े हो गए ठीक है प्राइम मेरिडियन पे आके वो क्या हो गया खड़े हो गए और उनके हिसाब से फ्राइडे लग चुका था तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया कि उनका जो मानना था कि फ्राइडे लग चुका है बराबर था

भाई कोई ज्योतिष ज्योतिष नहीं हो लेकिन मैं आपका फ्यूचर इस तरह से बता देता हूँ कि जैसे शेर है तू बोर्ड एग्जाम को फाड़ तू ठीक है मतलब बोर्ड एग्जाम को फाड़ना है क्या करना आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करके बताना है क्योंकि अगर आपने टॉप किया तभी मैं समझूंगा कि आप सर के स्टूडेंट हो ठीक है माही सर के स्टूडेंट हो, हो इसलिए मैंने इसलिए यहाँ पे बोला कि क्या है आप शेर के बच्चे हो 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 आप क्या रहे तैयार हो रहे हो रहे? आपको ट्रेन कर रहे हैं ठीके? और आप धीरे 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 आपके एग्जाम तक क्या हो जाएंगे पूरी तरह से हो जाएंगे और जैसा कि कि मैं हर रोज बोलता कि जब एग्जाम हॉल में दूसरे लोगों को पसीना छूट रहे होंगे क्वेश्चन देख के वहां वहां देख के के माहौल में आपको क्या रही हो रही होगी मुस्कुरा हाँ डाले होंगे होटो पे क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो ऑलरेडी आप प्रिपेयर रहेंगे क्यों क्योंकि आपको टिप्स बताई जाएंगी आपके माइंड के अंदर जितने भी सारे चैप्टर है उनके कंफ्यूजन जो है ऑलरेडी सॉल्व रहेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारे जो आंसर है वो अभी प्रिपेयर हो गए जैसे लेसन को हमने हस्ते खेलते हुए पढ़ा है सारे जो कंफ्यूजन दूर करा है आपको मालूम है मिनल तीस डिग्री पे गई थी तब कितने बज रहे थे कौन कौन से कौन से साइड साइड में में गई सुनील आप बता सकते हो बुक खोलने की जरूरत है की आपको नहीं तो इस प्रकार से आपने स्टडी की इस प्रकार से आपको आई एम पी क्वेश्चन का मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा मेटिक यूज होंगे तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे एग्जाम तक के पूरी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे एग्जाम हॉल में एकदम दहाड़ेंगे और बोर्ड एग्जाम को क्या करेंगे फाड़ के आएंगे फाड़ गए नाइन्टी नाइन परसेंट नाइन परसेंट नाइनटी परसेंट

बाल बढ़ाने के लिए टिप बता दो टिप बता दो ना बहुत तो सारी पढ़ाई करो पढ़ाई करेंगे तो अपने को अच्छे अच्छे जो है उसी के अंदर टिप्स मिलते हैं कि भी बाल बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है आप टॉप करेंगे ना तो सर आपको बहुत सारी सर आपकी बॉडी बताओ ओ भाई ऐसे काम नहीं कर सकता मैं यहाँ पे ठीक है <laughs> तो मेरी बॉडी अभी मतलब मैंने बहुत सारा वेट जो है वो पुट ऑन कर लिया है तो फिलहाल बॉडी वगैरह नहीं मतलब मैं ओवर रेटेड चल रहा हूँ फिलहाल ठीक है तो ये काम नहीं कर सकता मैं यहाँ पे अभी ओके okay. फिर अब देखेंगे मिनल की जर्नी देखेंगे बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना आप शेर हो तो नो शेर हो रोरोना आपको ठीक है शेर बच्चे तैयार हो जाओ आगे के टॉपिक सुनने लिए यानी कि समझने के लिए ओके okay. नाउ कंसीडर मिनल मिनल जर्नी जर्नी जो है इसकी हम देखते हैं बच्चों ओके okay. मिनल भी गई थी वेस्ट साइड में ठीक है अब मैंने बताया ये ईस्ट में गया था अभी गई थी वेस्ट साइड में ठीक है वेस्ट साइड में गई ये भी बराबर एग्जाम्पल उसका देखेंगे कि भाई बारह बजे जर्नी चालू की तो उसके हिसाब से अगर वो पीछे जा रही तो दस बज गए नहीं, मतलब सही थी वो गलत नहीं थी फिर वो और पीछे गई दो घंटे आठ बज गए फिर जब वो जीरो वन एटी डिग्री जब उसने क्रॉस किया तब रात के बारह रहे थे ठीक इसी तरह जैसे सुनील और वो क्रॉस हुए थे बट सुनील के हिसाब से वहां पे फ्राइडे लग गया था और इसके हिसाब से देखेंगे तो वेनसडे दे लग गया था ठीक है इफ मिनल कंटिन्यूस अहेड देन इट विल बी वेनसडे सिक्स पी एम एट नाइनटी डिग्री ईस्ट शी विल बी हर कम्प्लीटअल जर्नी एंड रिटर्न बैक टू डिग्री मेरिडियन अकॉर्डिंग टू हर इट शुड बी आफ्टरनून there is a debate between Minal and Sunil when they meet after their respective journeys according to Minal it should be Wednesday and according to Sunil it should be Friday then where does Thursday go the following method was used to come uh, to a solution अब बेटा इनका जो solution अब बच्चन का जो solution है अब सोलोगा अंशु सब काढ़े कुछ तो भी comment किया retracted हो गया कोई बात नहीं तो अब यहाँ पे बताएंगे कि जो मिनल थी बच्चों मिनल भी अपने रास्ते से गई थी बराबर समय जो है उसने बराबर कैलकुलेट किया था बराबर उसने भी 180 डिग्री जो है वो रात को 12 बजे ही जो थी वो क्रॉस की ठीक है यहाँ की 180 डिग्री जो है सुनील ने भी क्रॉस की लेकिन जब उन्होंने क्रॉस की तो इसको क्रॉस करते हुए इसका लग गया था वेनेसडे और इसका लग गया था फ्राइडे तो थर्सडे कहा गया इस इनका झगड़ा चालू था ना अब इनका झगड़ा छूटेगा नेक्स्ट पॉइंट में चलो वो बात आ चुकी है जब इनका झगड़ा सॉल्व होने वाला है सोल्यूशन निकल जाएगा देखो अभी सोल्यूशन क्या है solution to the confusion of days when you cross the 180 degree meridian some precaution need to be taken meridian of 180 degrees reached after 12 hours of prime meridian if you go from east or west accordingly an adjustment or change in the day and time online hi everyone okay time

मतलब हमारा एक दिन की जो कैलेंडर में डेट चेंज होती ना इस घंटे के बाद होती है तो बारह घंटे के बाद मतलब ये जब जीरो डिग्री से वन एट्टी डिग्री पे आ जाते हैं ना तो बारह घंटे का समय जो है वो हो जाता है और बारह घंटे में क्या होता है यहाँ पे ऐसा पता है कि वन एट्टी डिग्री जब अपन क्रॉस करते हैं तो आधे दिन के बाद यानी आधी रात के बाद क्या होती है जो डेट रहती है जो डे रहता है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है इसलिए हमको क्या करने हैं कुछ प्रिकॉशन जो है वो लेने पड़ते हैं समझो ये पृथ्वी है चौबीस घंटे में घूमती है ना पूरी ये लाइन जो है ये घंटे में क्या होती है घंटे मतलब ये 180 डिग्री है ठीक है घंटे का समय लगेगा जैसे इसने अभी सुबह चालू किया रात को बारह बजे यहाँ पे पहुंचेगा और रात को बारह बजे जब ये इसको क्रॉस करेगा तो कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कैसे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कुछ चीजों की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही नोट कर लेनी पड़ती है तो अब आपको सही मायने में समझेगा कि हमारा डे चेंज हुआ है कितना चेंज हुआ है कौन सा टाइम है हम कितना लेट चल रहे हैं फिर कितना हम आगे चल रहे हैं वो सारे प्रिकॉशन क्या है वो आगे के पॉइंट में हम देखेंगे सबसे पहले देख लेना है कि इन दोनों ने क्या की थी वन एट्टी डिग्री वाली जो लाइन थी वो क्रॉस की थी किसने सुनील ने मिनन ने मिनन ने इस साइड से की थी और सुनील ने क्या की थी इस साइड से की थी लेकिन वन एट्टी डिग्री वाली जो लाइन थी वो इन्होंने क्या की थी क्रॉस कर ली थी बच्चों ठीक है हमारी तो पृथ्वी ये वन एट्टी वाली लाइन ठीक है ये रही मिनल और ये रहा सुनील ये इधर गई ये इधर गया तो बराबर सुनील के हिसाब से आगे का टाइम चल रहा था और मिनल के हिसाब से पीछे का टाइम चल रहा था क्यों क्योंकि इन्होंने कुछ तो भी जो चीजें थी वो नोट कर रही थी क्या चीजें नोट करनी रहती है वो भी देखते हैं चलो अब हमारा आ गया इंटरनेशनल डेट लाइन इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन ये क्या रहती है ये इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के थोड़ा सा आड़ा धेड़ा चलता है तो डायग्राम को इग्नोर कर देना आपने मेन पॉइंट है भी पूछता है अमित इंटरनेशनल डेट लाइन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल तो दो चीजें अपने को ध्यान ध्यान में में रखनी रखनी है है बच्चों सबसे पहले दो चीजें कौन सी डायरेक्शन ऑफ तो सुनील का डायरेक्शन क्या था और मिनल का डायरेक्शन क्या था मिनल का डायरेक्शन था वेस्ट में जा रही थी वो सुनील का डायरेक्शन क्या था ईस्ट में जा रही थी वो और डे तो डे कौन सा था सुनील का थर्सडे मिनल का थर्सडे तो हमको सबसे पहले डायरेक्शन एंड डेट ये डेट मतलब वो डेट वाली हाँ नहीं तो आप बोलेंगे सर ने भाई वो वाली डेट बोलती नहीं सबसे पहले तो आपने डायरेक्शन दूसरा जो डे है वो अपने क्या रखना है डे एंड डेट जो है वो ध्यान में रखने के भाई हम थर्सडे को निकले थे भाई या फिर हम संडे को निकले थे भाई तो उसके बाद में अगर आप इस साइड में जा रहे हो ना तो आप भविष्य भविष्य मतलब आप, आप क्या कर रहे हो आप आगे जा रहे हो ठीक है और उसके बाद में अगर आप वेस्ट में जा रहे हो तो आप पीछे वाली डेट में जा रहे हो ठीक है ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे या फिर हम पास्ट में ट्रैवल कर रहे हैं ये नहीं है सिर्फ जो टाइम रहता है और जो डेट रहती है ना उसका फर्क होता है कि मैंने कल की लेक्चर में समझा दिया था कि ऐसा क्यों रहता है कृपया तो कर किसी को सम... जीएफ का नाम, तो नाम है, ओके। <laughs> ट्रेनिंग okay. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि ये डेट और टाइम जो है बिनल और ये इसका एग्जाम्पल देखे तो आप इसका एग्जाम्पल एक, देख के तो आपको समझ में आ गया लेकिन फिर वापस से एक एग्जाम्पल एक दिया है जिससे आपको समझने में और क्या हो आसानी हो While traveling from Japan to America, we need to consider that existing day and date even after crossing the ideal. For example, if it is Thursday, 25th December, then Thursday, 25th December only should be considered. While traveling from Japan to America, we need to consider the existing day and date. ओके okay, अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे जापान से अमेरिका जो है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपने को कि एक जो ट्रैवलर है समझो वो जापान से कहा जा रहा है बच्चों अमेरिका जा रहा है तो कब निकला तो वो 25 दिसंबर को निकला और उस दिन क्या है थर्सडे तो वही डेट पकड़ी जाएगी कि वो 25 दिसंबर को निकला और उस दिन क्या है थर्सडे है ओके okay? पिकाचू नाम है मेरा ओके पोकीमोन बहुत देखा था लगता आपने बचपन में इसलिए आपने अपना नाम क्या रख लिया पिकाओ नाम के, के गेम भी बहुत आते हैं प्ले स्टोर पे बच्चे आजकल क्रेजी हो जाते हैं ठीक है जैसे पबजी रहा तो पबजी का नाम रख लेंगे बाद तो में फ्री फायर रहा तो फ्री फायर के नाम से आईडी बना लेंगे जिस भी चीज को वो देख के थोड़े से क्रेजी हो जाते हैं ना उसके नाम से आईडी बना लेते हैं अभी कल कोई आया था इसमें वड़े पाव वाला उसने वड़े पाव वड़े पाव का काका वड़े पाव की मम्मी ऐसे इतने इतने नाम से ईमेल आई बना लिए थे कुछ भी करते हैं आजकल के बच्चे अरे भाई इतना दिमाग थोड़ा सा पढ़ाई में लगा लो ऐसा तो लगाएंगे या मेरे को पता है एंजॉयमेंट में थोड़ी थोड़ी जरूरी होती है।, है मेरा नाम डोरेमोन है ठीक है ट्रैवलिंग फ्रॉम जापान ओके ये तो हमने देख लिया ठीक है तो वो डेट जो है वो ही कंसिडर होगी जिस दिन आप निकल रहे हो उसी दिन की डेट जो है वो कंसीडर होगी अब बाद में देखेंगे ऑन द कंट्री वाइल गोइंग टू फ्रॉम अमेरिका टू जापान क्रॉसिंग द आइडियल वन नीड्स टू Okay. अब ये करते समय अगर वो आईडियल इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर वो क्रॉस कर देते हैं ठीक है ऐपे ये लिख के आ जाता यार, को आता है पता नहीं अगर वो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या कर देते हैं क्रॉस कर देते हैं यहाँ पे बना लेंगे चलो ये ट्रैवल करते समय ठीक है समझो यहाँ पे उनकी फर्स्ट जो है वो है वो... यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है अमेरिका से टोक्यो अब वो यहां से ट्रेवल कर रहे है और ये ट्रैवल करते समय ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये इन्होंने क्रॉस कर दी तो डेट बदल जाएगी बच्चों कैलेंडर में क्या हो जाएगी डेट बदल जाएगी समय बदल जाएगा समय तो बदलेगा ही डेट बदल जाएगी ठीक है अब इन्होंने ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल किया ना इसलिए डेट क्या होगी आगे की होगी तो वो थर्सडे को निकले थे ना तो वहां पे क्या होगा फ्राइडे होगा क्या होगा फ्राइडे निकले थर्सडे को थे होगा फ्राइडे क्यों क्योंकि डायरेक्शन जो है वो क्या है आगे वाला है ठीक है थर्सडे से थे फ्राइडे में जाएंगे ओके okay. अब इसका और एक एग्जांपल दिया उन्होंने थर्सडे का फ्राइडे कैसा हुआ लेक्सिले में पोकेमॉन पसंद है तो पिकाचू पसंद है क्या आ, कुछ इतना खास नहीं मैं इतना ज्यादा कार्टून नहीं देखता था बच्चों बस बचपन बच्च में हाँ मेरे को स्कूबीडू जो कार्टून था वो पसंद था उसके बाद में आ, उस वर्ल्ड जो था दो थे मतलब हमारे टाइम के कार्टून थे पसंद थे मेरे को

पे देखेंगे श्यामराव जो थे ठीक है श्यामराव अमेरिका से निकले जो कि पे ईस्ट में है ठीक है ईस्ट में उसके बाद में वो कब निकले तो एक पहले दिन निकले एक बजे और उस दिन था मंडे और उन्होंने चौबीस घंटे का प्रवास किया ट्वेंटी फोर आवर्स का प्रवास किया उन्होंने कहा पे फ्लाइट से प्रवास किया 24 घंटे का ही रिच अमेरिका एंड सो दी रिच अमेरिका एंड डेट देयर इट इज मंडे 1 पीएम फ्रॉम दाइडेट नून जापान ट्वेंटी फोर आवर्स फ्लाइट एंड द डेट वॉज सैटरडे सिक्स नून फ्राइडे को पांच बजे निकले बारह नून थे उसके बाद में ही रीच जापान आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स वहां पर हो गया था सैटरडे ओके okay. अब पे ऐसा बताया गया बच्चों पे ईस्ट टू वेस्ट का का जो डिस्टेंस है वो बताया जो जो डे का फर्क हो जाता है वो बताया बताया है डिस्टेंस नहीं सॉरी जो डेट चेंज होती है वो कैसा बताया तो एक व्यक्ति है यहाँ पे जिनका नाम है श्याम राव क्या नाम है श्याम राव ठीक है अब वो चौबीस घंटे का सफर करके जो है वो वापस आते हैं तो चौबीस घंटे का जब वो सफर करते हैं तो उनका जो डायरेक्शन रहता है वो ईस्ट का रहता वो यहाँ पे गए और वहां से वापस क्या कर रहे हैं ट्रेवल करके वो वापस आए या फिर चौबीस घंटे का उनका जैसा भी ट्रेवल था वेस्ट आइडियल ऑन फर्स्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट में है जापान अमेरिका ईस्ट में है यहां से निकले थे एक बजेम को पहले दिन और यहाँ से सफर करके वापस से अब यहाँ पे बताया गया बच्चों जो शाम राव थे ठीक है वो जापान से निकले थे और जापान से निकल के निकलने के बाद में जब उन्होंने चौबीस आवर का सफर किया जो चौबीस घंटे का जब उन्होंने सफर किया और 24 घंटे का सफर करने के बाद में जब वो अमेरिका पहुंचे ना जापान से बच्चों जब अमेरिका पहुंचे वो जापान से तब उन्होंने देखा कि वहां की डेट और टाइम वो एग्जैक्ट वही है जिस टाइम को वो घर से निकले थे तो इससे क्या पता चलता है जिस डायरेक्शन में मिनल गई थी ये उस डायरेक्शन में इन्होंने क्या किया सफर किया क्योंकि मिनल क्या थी मिनल पीछे की ओर गई थी ठीक है मिनल जो वो वेस्ट के साइड में गई थी ठीक है इसलिए इनका जो सफर बताया गया जो का जो राव का सफर बताया गया ये वापस से उसी टाइम में अमेरिका में पहुंचते हैं जहां जिस टाइम पे वो क्या निकले थे घर से निकले थे और वापस से इनकी जो रिटर्न जर्नी है वो बताई गई है रिटर्न जर्नी वो वैसे ही जब वापस आए तो टाइम जो था वो भविष्य में था क्योंकि रिटर्न क्या करे वो रिटर्न वो भविष्य की और मत, भविष्य मतलब आगे के टाइम में हुआ है ठीक है जाते समय जो था उन्होंने क्यों आ गया जाते समय जो था उन्होंने जो था वेस्ट से ट्रेवल किया इसलिए टाइम जो है वो वही था जब वो पहुंचे तो वही टाइम था चौबीस घंटे के बाद भी वही टाइम था जिस टाइम से वो घर से निकले थे एक बजे सोमवार वाले दिन और पहुंचे तब भी एक बज रही थी सोमवार वाले दिन क्यों क्योंकि वो वेस्ट जो था वहां से उन्होंने ट्रेवल किया था वेस्ट साइड से आते समय उन्होंने क्या किया ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल किया इसलिए वो एक दिन मतलब जो टाइम डेट जो थी

दो मिनट के लिए मैं अलग ही आपकी दुनिया में खो जाता हूँ कि आप भी क्या करो जैसे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपको थोड़ी सी जैसे एंजॉयमेंट मिलती है मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ आपका नाम लेता हूँ तो ठीक है आपको कैसे अच्छा लगता है तो आप क्या करो जो लेक्चर से रिलेटेड टॉपिक है ना उसके बारे में भी मेरे को कमेंट करके बताओ तो मेरे को भी अच्छा लगा कि, कि हाँ बच्चों का जो ध्यान है वो लेक्चर में भी उनको समझ रहा है। और अगर नहीं समझ रहा तो मेरे को वो टॉपिक भी पूछो कि सर ये मेरे को नहीं समझ रहा है तो फिर मेरे को खुशी होगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ रहा है बच्चों का इस पर क्या है ध्यान है हंसी मजाक भी करना चाहिए बहुत जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए बच्चों ठीक है और अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो सर तो यहाँ पे है hey, देख सी मैं मुंबई से हूँ आप बात है मुंबई से बच्चे देख रहे हैं हमको बहुत खुशी हुई है कमेंट पढ़ के मैं जलगांव से हूँ भाई बहन तो भी है मेरे को मेल है फीमेल है बिल्ली का फोटो लगा के रखा है ओके वी कैन कंसीडर डैट विद द रेफरेंस टू द आइडियल द डे ऑन द अर्थ स्टार्ट इन द वेस्ट एंड एंड इन द ईस्ट It is once and the same day on uh, day only at 12 o'clock midnight and 180 degree meridian for the countries like to the east USA, Chile etc. Chile, FCHI. It is the end of the day while for the countries lying in the west, example Japan, Australia is the start for a new day. Okay. यहाँ पे ऐसा बताया बच्चों सिंपल सी चीज़ बता दी है मैं यहाँ पे एक इमेज जो है उसके द्वारा आपको ये चीज़ समझा इसको ये जो गुलाबी वाली जो ना वो है आइडियल पे इंटरनेशनल है। मैं दुबई से ठीक है भाई दुबई से आप दुबई से हो हिंदी बोल रहे हो जी बात है और दुबई से और महाराष्ट्र बोर्ड का आप देख रहे हो बहुत बहुत भाई धन्यवाद आप महाराष्ट्र बोर्ड का चैनल देख रहे हो दुबई से बात ये जो गुलाबी वाली दी गई ना बच्चों यहाँ पे ये रही इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन आई डी एल ठीक है अब ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है टेढ़ी मेढी क्यों है ये भी अपने को बताएंगे ये सीधी क्यों नहीं है ये भी अपने को बताया जाएगा सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि ये जो है ये है आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है जो हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा अभी जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसके हिसाब से यहाँ ऐसा बताया गया है जो टाइम रहता है ना ट्वेल्व ओ क्लाक होते तो बहुत सारे ट्वेल्व ओ क्लॉक हो गए ठीक है तो ऐसा बताता ऐसा यहाँ पे दर्शाया जाता है दर्शाया जाता है फिर माना जाता है या फिर कंसिडर करा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है सवेरा होता है और कहीं पे क्या होती है रात होती है मतलब वही समय जो है ट्वेल्व आवर्स का ही है लेकिन टाइमिंग जो है दोनों में क्या है अलग 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 होता है ठीक है मतलब इस साइड में अगर सवेरा है तो इस साइड में क्या है वो रात के बारह बज रहे हैं ठीक है थीके? अब ये चीज तो हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं मीनल और सुनील की जो जर्नी थी उससे हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं जब ये आती आ, मीनल जब यहाँ से आ रही थी और सुनील जब यहाँ से आ रहा था तब उन्होंने 180 डिग्री को जो है यहाँ से क्या किया उन्होंने क्रॉस किया मतलब एक दूसरे को क्या किया उन्होंने क्रॉस किया और इसके लिए जो था ये आ, पीछे जा रही थी भविष्य मतलब यहाँ पे अगर 12 बजे है तो वो 10 बजे जा रही थी फिर आठ बज रहे थे फिर छः बज रहे थे ठीक है कि वो पीछे पीछे की ओर जा रही थी और ये जो थे यहाँ से जो सुनील बाबू आ रहे थे हमारे वो भविष्य में, मतलब में, तो में, में दो बजे चार बजे लाइफ में सफर में फिर छह बजे इसलिए यहाँ पे ऐसा बताया गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये जब क्रॉस करते हैं इसलिए डेट वगैरह क्या हो जाती है चेंज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इस साइड में अगर सवेरा है तो इस साइड में क्या रहेगी शाम शाम यानी कि रात और इस साइड में अगर रात है तो इस टाइम में क्या होगा सवेरा मतलब अगर आप रात को जर्नी के लिए निकले हो आपने कोई रात की फ्लाइट पकड़ी और आप इस साइड में आना चाहते हो तो वहां सवेरा रहेगा इस साइड से रात में पकड़िए तो आपको यहाँ सवेरा मिलेगा ठीक है ऐसा रहता है बारह घंटे का डिफरेंस तो है वो क्यों रहता है वो बताया गया अरविंद हाय हाय बेटा हाँ अरविंद यामी यामी क्या यमी क्या तो ये तो हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कंट्री तो के यहाँ पे नाम भी दिए गए कि भाई किस टाइम पे अगर हम यूएसए और चिली से अगर हम देखा जाए तो उस टाइम पे यहाँ पे जो है वो सुबह के बारह रहे होंगे यहाँ, यहाँ से देखा जाए तो वही उसके अपोजित टाइम होता है ठीक है दो अलग अलग डायरेक्शन की जो कंट्री के नाम है वो यहाँ पे दिए गए हैं कि जब यहाँ पे ट्वेल्व मतलब यहाँ पे अगर ट्वेल्व ओ सुबह के बज रहे हैं तो यहाँ पे रात के बज रहे होंगे यहाँ पे रात के बज रहे हैं तो यहाँ पे सुबह के बज रहे होंगे ऐसा जो टाइम होता है वो अपोजिट पे होता है और ये अपोजिट टाइम जो है वो किस वजह से इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इसके वजह से उसका जो अंदाजा है वो लगाया जाता है कि अभी वहां पे कितने बज रहे होंगे और ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों बनाई गई इसको अपडेट भी किया गया 2011 में किसने अपडेट किया वो चीज भी हम यहाँ पे देखेंगे ठीक है यह हम और इसको लेके अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना तो यहाँ पे बताए अरविंद धर्माले सर ट्वेल्व बोर्ड एग्जाम होंगी कि नहीं बच्चा ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम जो है वो तो कैंसल नहीं होने वाली लेकिन अगर जैसे अभी सुनने में आ रहे हैं जो नवे केसेस है वो देखने में आ रहे जो वायरस है वो बहुत ज्यादा अपडेट हो गया है मतलब और डेंजरस जो वर्जन है वो आ रहा है और केसेस धीरे 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 क्या हो रहे हैं बढ़ रहे अगर बहुत ज्यादा तादाद में अगर ये केसेस बढ़ने लगे तो शायद से मैं आपको आ, कंफर्म नहीं दे सकता कंफर्मेशन नहीं दे सकता शायद से अगर बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए तो सरकार कोई भी नवा सर्कुलर जो है वो निकाल सकती है गवर्नमेंट कोई भी नवा सर्कुलर जो है वो निकाल सकती है उसके बाद ही समझेगा कि वो कैंसिल हुई या नहीं ठीक है आसार तो ऐसे ही है कि हो जाएगी तो आप प्रिपेयर प्रिपरेशन जो है आपका वो चालू रखें बेटा आया मम्मी मैंने अभी वही एक्सप्लेन किया कि नवा सर्कुलर जब तक के नहीं आता तब तक के हमको क्या करना है वेट करना है जूनियर सर्कुलर के हिसाब से तो भाई आपकी जो एग्जाम है वो होगी तो आपको क्या करना है प्रिपरेशन जो है आपका वो स्टार्ट कर देना है ठीक है देरी नहीं करनी उसमें अन अकेडमी तो आपको जो है आपका क्या करना है अन अकेडमी का जो लर्नर्स एप है वो डाउनलोड कर लो अनलिमिटेड जो है आपको वहाँ पे जो लेक्चर वगैरह है वो देखने के लिए मिलेंगे डाउट सेशन होते हैं पीडीएफ मटेरियल होता है पीछे तो भी ऑफर चल रही थी जिसमें आप उसका फ्री सब्सक्रिप्शन भी जो थे पंद्रह दिन के लिए क्या कर सकते थे पा सकते थे इस आप आ, आपने अगर, आ, आप आप पाके आपने अगर मटेरियल जो है वो से डाउनलोड कर पाते थे आपको एक्सेस मिल जाता था क्लासेस की वीडियो डाउनलोड्स करके रखते थे तो आपको आगे भी उसकी जो बेनिफिट है वो लेते आता था कोई बात नहीं ऑफर जो नवे नवे वो आते रहते हैं यहाँ पे तो ये समझा ट्वेल्व ओ क्लॉक वाला जो सीन है वो आपको समझ में आया मिडनाइट वाला कहीं पे मिडनाइट रहती है तो कहीं पे क्या रहता है डे रहता है क्यों रहता है वो आईडीएल की वजह से इंटरनेशनल डेट लाइन जो उसको एपड डिटेल में समझाया गया है कि अपना जो डे रहता है वो रहता है ट्वेंटी फोर आवर का लेकिन जब रात के बारह बजते हैं ठीक है थीके? तो अर्थ का जो रोटेशन है वो कहाँ पे आ जाता है मिड नाइट पे ठीक है जैसे कि मैंने बताया सैटरडे है और मिड नाइट पे क्या हो जाएगा डे चेंज होकर संडे हो जाएगा ठीक है ऑफर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस अब जैसे अपने यहाँ पे बारह बजे डे चेंज हुआ तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे बारह बजे डे चेंज हो गया जैसे कि अपन ने कल देखा न्यू ईयर जो था वो अपने से भी पहले कुछ कंट्री ने सेलिब्रेट कर लिया था और कुछ कंट्री ऐसी थी जिन्होंने अपने बाद में भी सेलिब्रेट किया तो वो चीज आपके यहाँ पे सॉल्व हुई होंगी बच्चों आपके माइंड जो हो यहाँ पे क्लियर हुए होंगे नहीं भी हो तो मेरे को बताओ आप मत सिखाते हो थैंक यू बेटा नहीं भी अगर क्लियर होंगे तो मेरे को बताओ हम वापस से इसको जो कवर कर लेंगे बाबा इस बार एग्जाम लेनी पड़ेंगी बोले विडु लोग घर पे बैठे-बैठे चैन चां वेले ले है वो इंचाइन हो गए ले ओके okay. As the Earth is spherical in the shape, every place has the place to understand the, the year eighteen eighty four and eighty international drawn It to the green, which I'm refers to the one entity as an international convention. As it passed through the land or some island, the people that's okay. Therefore, other place it just idol has been and when ho ja gaya अब बच्चों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आइडियल लाइन जो है वो कब बनाई गई जो साइंटिस्ट थे आमर... UH, साइंटिस्ट अभी अमेरिकन प्रोफेसर जो थे उन्होंने ये जो थी उसका काम जो है इन्होंने किया था 1884 में इनके द्वारा वो जो थी बनाई गई थी ऐसा समझो ऐसा समझ लो इंटरनेशनल डेट लाइन जो थी अमेरिकन प्रोफेसर प्रोफेसर थे उनका नाम था डेविडसन ठीक है इनके लीडरशिप के अंडर वो बनाई गई थी डेविडसन 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 जो थे ये मतलब आप इनका नाम बहुत इजीली लर्न रख सकते हो लड़के जो उनको तो बहुत इजीली इनका नाम लर्न हो जाएगा आप आई एम पे क्वेश्चन बोल के इसको क्या कर सकते हो लिख सकते हो एटीन एटी फोर में डेविडसन जो थे इनके लीडरशिप के अंदर ये बनाई गई थी कौन थे अमेरिकन प्रोफेसर नाम कैसे इजीली लर्न रख सकते हो बच्चों की ना एक मतलब बाइक होती है आइडियल बाइक हाँ मेरे को ये चलानी है वो चलानी तो हार्ली डेविडसन के लिए ना हर बच्चों ने सपना देखा होता है 80 तो देखते ही है। जैसे हो हाँ ये होनी चाहिए बहुत सारी स्पोर्ट्स तो तो देखते भी। मैंने भी देखा था और इवन अभी भी मेरा है तो उसके उस बाइक के नाम पे इनका नाम है तो आपको क्या है इसको लर्न रखने के लिए बहुत ज्यादा क्या होगी एक जल्दी से इसको क्या कर सकते हो लर्न कर सकते हो मिलेगी उस गाड़ी के नाम पे ठीक है हाल निकाल देना सन, नाम क्या था? सन था।, क्या किया था जो आइडियल डेट लाइन थी वो इनके लीडरशिप के अंदर बनाई गई थी तो में। में अपडेट किया गया इसके अंदर चेंजेस किए गए अपडेट करना पड़ता है कुछ कंफ्यूजन आ जाते हैं ठीक है ठीके? अब ये क्यों बनाई गई क्या रीजन था इसका वो यहां पे देखेंगे पहले कमेंट पढ़ लेते हैं झुमके रहता है वो जी नहीं आता जे रहता है झुमके नहीं है वो स्टफ है। रोज लगा लेंगे आपको पसंद आया ना ठीक है रोज लगा लेंगे ठीक है आप रोज हमारे लेक्चर में क्या कर देना हाजिरी दे देना हम रोज लगा लेंगे ठीक है ताकि भैया लेक्चर में हाजिर देने से आपको जो है रोज चीजें जो है वो इजीली क्या हुए समझ में आवे इजीली समझ में आए तो आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पावे और अच्छा स्कोर होगा तो आप मेरा नाम निकालेंगे भाई साहब ने सिखाया था ठीक है भाई आपके लिए रोज ओके डन दन, अब दन, दन। सीखते हैं कि इसको बनाने की जरूरत क्या थी आइडियल को तो भाई जो 180 डिग्री क्रॉस करते थे पहले लोग समझो इसको ये ये जब नहीं थी आइडियल जब नहीं थी फिर 180 डिग्री जब क्रॉस करते थे तो अंदाजा लगाने में बहुत मुश्किल हो जाती थी कि भाई कैलेंडर में कौन सी डेट है समझो ऑनलाइन जैसे अपन ऑनलाइन कुछ चीजें मंगाते हैं आजकल ठीक है तो वो क्या होती है बाहर से आती है जैसे चाइना टोक्यो जापान आप कहीं से भी मंगा सकते हो आपको ना एक पर्टिकुलर डेट मिल जाती है वहाँ पे कि आपको इस डेट के अंदर ये टाइम के अंदर ये चीज़ जो है डिलीवर हो जाएगी ये सब किस वजह से पॉसिबल हुआ है आज तो ये सब आइडियल की वजह से पॉसिबल हुआ है जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इसके वजह से पॉसिबल हुआ है ओके थैंक्स फॉर करेक्शन ओके बेटा नो प्रॉब्लम हमारा काम ही है गलती को सुधारना ठीक है और गलती करके ही हर बच्चा सीखता है ठीक है आप अगर गलती कर रहे हो तो ये चीज़ मन के अंदर ठान लो कि आप ही आगे जाएंगे ठीक है शेर का बच्चा जो रहता है ना होते उसको शिकार करना नहीं आता बहुत गलतियां करता है कभी कभी ऐसा भी होता है 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 शेर का बच्चा शिकार शिकार करने करने जाता 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 और जिसका वो शिकार करने जाता है, उससे डर के वापस आ ठीक है ठीके? तो ऐसा भी होता है लेकिन उसके अंदर जो करेज जो जो हिम्मत है उसको सिखाने वाले जो रहते हैं जैसे उसके मम्मी पापा हो गए या फिर उसके जो भी गार्डियन हो गए वो उसको सिखाते कि असली शिकार कैसे करा जाता है असली में दहाड़ा कैसे जाता है जंगल पर राज कैसे किया जाता है एक प्रकार से आप क्या हो भी शेर के बच्चे हो तो आप गलतियां कर रहे हो लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम आपको सिखा रहे हैं ठीक है और ये पूरा जंगल जंगल यानी जो भी आपके बोर्ड एग्जाम है जो भी आपका ये जो एग्जाम का पीरियड रहता है ठीक है तो इसमें आप क्या करोगे आप दहाड़ गएंगे जिससे सब लोग क्या होंगे सबको पता चल जाएगा आपकी ताकत कहने कि आपका जब स्कोर आएगा आपका जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो उस टाइम को हम बोलेंगे कि आप दहाड़ेंगे आप क्या करेंगे उस टाइम पर राज करेंगे सब स्कूल के अंदर आपका नाम होगा कि हाँ भाई उर्मी आखिर जाने का तो रिजल्ट आया अंशु तो बेचारा नाइन्टी में मतलब एट्टी फाइव में खुश हो जाएगा लेकिन फिर भी मेरे को गारंटी है कि बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करेगा क्योंकि ऐसे बच्चे ही आगे जाते हैं मैं भी बचपन में बहुत शैतान था मेरे को पता है मेरे को पता है मैं बैक बेंचर रह चुका हूँ और मैं बहुत मतलब बहुत तो ज्यादा तंग किया करता था मैं टीचर को लेकिन मेरे लाइफ में भी एक ऐसे टीचर आए जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझा है उसके बाद में जो मेरी लाइफ है क्या होगी चेंज हो गई ठीक तो है तो ऐसे बच्चे आगे जाते हैं मेरे को गारंटी है ठीक है तो आपको क्या करना है बच्चों दहाड़ना है रोड़ना है शेर के बच्चे ना आप शेर हो ना ठीक है तो बोर्ड एग्जाम को क्या करेंगे गए आएंगे हम ठीक है रिजल्ट होने चाहिए आपके आपने यहाँ पे कमेंट करने को ना सर आपने सिखाया वजह से हमारे स्कोर आया एग्जाम के अंदर तब जाके मेरे को खुशी मिलेगी तो मेरे को खुशी अभी भी मिल रही है अगर आप मेरे लेक्चर में को खुशी अभी भी मिल रही है मेरे को पता है कहीं ना कहीं एक परसेंट भी हो तो आपके दिमाग में सारी चीजें क्या है स्टोर हो रही है जो आपको कहीं ना कहीं काम में आएगी जहां पे हमने देख लिया डेविड संक जो था कितना बड़ा योगदान रहा है उनका अमेरिकन प्रोफेसर थे उन्होंने आइडियल लाइन बनाई थी दो में उसके अंदर अपडेटेशन हुई क्यों बनाई गई है आडियल लाइन भाई डेट कैलेंडर में कौन सी डेट है फिर अपन वन एटी डिग्री जब क्रॉस करते हैं तो वहां कौन सी डेट है हमने कौन से टाइम को सफर स्टार्ट किया वहां पहुंचने के बाद में कौन सा टाइम है ये सारी चीजें जो है आइडियल लाइन के द्वारा ही हमको समझती है दूसरा आइडियल लाइन जो है वो एकदम सीधी नहीं है जैसे मेरेडियन रहते हैं ना ये जो मेरिडियन है कैसे एकदम सीधे एंड स्ट्रेट है ये एकदम सीधी नहीं है अगर ये एकदम सीधी रहती थी ना बच्चों तो फिर वापस से टाइम और उसमें क्या होता था कंफ्यूजन होता था ठीक है जैसे आप इस कॉन्टिनेंट को देख लो अगर ये एकदम सीधी होती थी ना कॉन्टिनेंट का इतना जो भाग है यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता था कि भाई हाँ यहाँ पे क्या डेट होनी चाहिए यहाँ पे क्या कैलेंडर में टाइम होना चाहिए ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना ये थोड़ी सी टेड़ी मेड़ी है कभी ये ईस्ट में जाती है तो कभी ये यहाँ से देखो ये ये ब्लू यहाँ पे लगा दिया लेकिन यहाँ से वेस्ट में गई यहाँ से वेस्ट में जाती है फिर वापस यहाँ पे आती है यहाँ से इसका ऐसा वापस से टेढ़ा मेढ़ा जो शेप है वो ईस्ट के अंदर है फिर यहाँ नीचे देखेंगे वेस्ट के अंदर और फिर यहाँ से क्या है वो एकदम सीधी सटक है इसलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया ताकि एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट डेट जो है इसका अंदाजा हम क्या लगा सके आसानी सा लगा सके इसके लिए इसके अंदर क्या है ये सारे अपडेटेशन जो है वो किए गए हैं यम तो भी किया कोई बात नहीं ऐसा बताया गया आइडियल जो है इंपॉर्टेंस क्या है उसका तो वो क्या करती है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ठीक है इंटरनेशनल डेट लाइन वो इंटरनेशनल एयरलाइन जो रहती है ठीक है जो इंडिया से बाहर जा रहे हो आप तो उसको इंटरनेशनल बोलेंगे बाहर मतलब दूसरे कंट्री में जा रहे हो सर में शेर का यम्मी के साथ यम्मी भी के साथ यम्मी यम्मी साथ साथ भी हो है 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 ठीक अच्छी बात आप ओके आप सब शेर हो ये बात ध्यान में रखनी है आप बकरी के बच्चे नहीं आपको झुंड के पीछे नहीं जाना है आपको क्या करना है कुछ अलग करके बताना है अनकेडमी पे हो आप आप अभी ठीक है लेट्स क्रैक इट और आपको माही सर जिगा रहे तो फिर इससे बड़ा भाई आप मतलब मैं खुद पे गर्व नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो ट्रिक जो मतलब जिस पैशन से मैं आपको सिखा रहा हूँ ना तो आपके अंदर भी भाई एक प्रकार से जिज्ञासा जो है पढ़ने की वो जाग रही है कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी जैसे आप रोज मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो रोज नियमित तो मेरे को कमेंट करो यहाँ पे तो मेरे को पता है कि आपको लेक्चर में मजा आ रहा है आप कुछ ना कुछ तो भी सीख के जा रहे हो यहाँ से आप 2%, 5%, 10 भले आप दो परसेंट पाँच परसेंट टेन परसेंट भले क्यों ना सीखो जब हम इसको वापस वापस, वापस रिपीट करेंगे आई एम क्वेश्चन वगैरह देंगे आपकी स्टडी कराएंगे इंट्रग्यूस कराएंगे तब यहाँ पे आपको मैं हंड्रेड मतलब मैं आपको यहीं प्रिपेयर कर दूंगा शायद ही कोई डाउट होंगे जो आपको एग्जाम टाइम पे होंगे रहे भी तो उस टाइम पे आपके माई सर आपके साथ खड़े रहेंगे ठीक है तो डरना नहीं है अपने क्या करना है करके बताना इंटरनेशनल डेट लाइन का ये ही काम होता है ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंटरनेशनल एयरलाइन और इकोनॉमिक ट्रेड एक्टिविटीज जो होती है उस टाइम पे क्या है हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हाँ हमने टोक्यो से चीज मंगाई लेकिन टोक्यो में भी छह तारीख है फिर जब वो इंटरनेशनल एयरलाइन या फिर अः समुद्र रास्ता वगैरह जहां से भी आएगा ठीक है तो उस टाइम पे जब वो आपके घर पे डिलीवर होगा तब क्या टाइम होगा तब कौन सी डेट होगी आगे की डेट पे डिलीवर होगा या फिर पीछे की डेट पे डिलीवर होगा कोई कोई आइटम सेम डे भी जो है वो डिलीवर हो जाते हैं तो और कौन से टाइम पे डिलीवर रहे हो वो सारी चीजें का रिकॉर्ड रखने के लिए आइडियल का बनना बहुत जरूरी था और इससे सारी चीजों में क्या करती है काम में आती है अपना लास्ट पॉइंट है हाँ ये रहा जब आप फ्लाइट की टिकट निकालते हो तो फ्लाइट में ना स्पेशल नोटिफिकेशन दिए जाते हैं ठीक है थीके? क्या नोटिफिकेशन दिए जाते हैं यहाँ पे देखो ये टिकट के अंदर कुछ नोटिफिकेशन दिया क्या नोटिफिकेशन दिया है? ये टिकट के अंदर कि प्लीज नोट दिस फ्लाइट इनवॉल्व अ डेट चेंज कि भाई इसमें क्या होगा आगे चल के डेट जो है वो चेंज होने वाली है ठीक है अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्राइडे अप्रैल जो है हाँ फ्राइडे एक अप्रैल वो ही मैं समझा कि महीने भर का कैप कैसे क्या आ गया यहाँ पे ठीक है फ्राइडे जो है वो एक अप्रैल को आप क्या कर रहे हो स्टार्ट कर रहे हो आपकी जर्नी ठीक है और आप पहुंच रहे हो कहाँ पे थर्सडे को तो डेट क्या हो गई बच्चों चेंज हो गई जैसा यहाँ पे नोट दिया था और यहाँ पे आप देखेंगे फ्लाइट का जो डायरेक्शन है वो यहां से यहाँ पे बताया गया है ठीक है

दोपहर को अब देखो आप निकल रहे हो रात में ठीक है रात का सफर आपकी रात की फ्लाइट है साढ़े बारह बजे की रात की फ्लाइट है और वहां पे कब पहुंच रहे हो आप शाम को पहुंच रहे हो थर्सडे और जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे क्या रहेगा थर्सडे फर्स्ट मार्च यानी कि आप क्या कर रहे हो पीछे जा रहे हो ठीक है पीछे के दिन में जा रहे हो ठीक है ऐसा और यहाँ पे फ्लाइट की जो लोकेशन का जो मतलब जो तो मराठी मतलब जो फ्लाइट का फ्रंट साइड जो है उसका भी पे चिन्ह बताया जाता है स्टेशन नोट जो है वो यहाँ पे दिया जाता है टिकट के ऊपर फ्लाइट का नाम दिया जाता है कि फ्लाइट कौन सी है यू एट है ठीक है और कौन सी लाइन है जैसे एयरलाइन का नाम दिया जाता है जैसे अपने ट्रेन को अपना नाम होता है ना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये गांधी एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस ऐसे यहाँ पे ड्रीम लाइनर होता है ठीक है ड्रीम लाइनर क्या है वो जो एयरवेज की जो कंपनी है उनका नाम है जैसे होता है ना किंग फिशर मैं ब्रांड की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ आपको दो तीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ किंग फिशर इंडियन एयरलाइंस ये ड्रीमर लाइन है ड्रीमर लाइन ड्रीम लाइनर ड्रीम लाइनर सॉरी ड्रीम लाइन वो एयर लाइन एयरलाइन लाइन का फेमस डायलॉग बोलो कौन सा फेमस डायलॉग पिक्चर का बोलू स्टडी रिलेटेड बोलू कौन सा फेमस डायलॉग चाहिए आपको ओके इंटरनेशनल डेट लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन आपने देखी उसके बाद में ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन का यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा चार्ट समझ लो या तो फिर मैप समझ लो ये यहाँ पे बताया गया है इससे तो आपको सीधे सीधे ध्यान में आ जाएगा कि जो वेस्ट साइड है वो क्या है टूडे और आप यहां से अगर यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हो तो पे आप क्या कर रहे हो येस्टरडे में जा रहे हो ठीक है फ्लाइट का मुंह दिख गया आपको इस साइड में है तो यहां से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है मतलब टूडे से क्या गए वो यस्टरडे में गए वेस्ट टू ईस्ट ठीक है ओके तो येस्टरडे में आ गया ठीक है आपने मीनल को देखा था कि वो भी क्या करती है येस्टरडे में आती है इसलिए उसका जो दिन है वो पलट जाता है यहां से यहाँ पे आती ना तो यस्टरडे में जाती है वो ठीक है तो इसलिए का जो है यहाँ पे जो हमने देखा जो टाइम है वो कहा जा रहा है यस्टरडे में यानी कि वहाँ पे जो समय है वो क्या है कल का निकल रहे वो एक अप्रैल को है लेकिन जा रहे जो है जब उनका डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे तो वहाँ पे इकतीस मार्च है निकल रहे सुबह साढ़े बारह बजे लेकिन पहुंच रहे कहाँ पे है इकतीस मार्च को शाम के पौने छ बजे घंटे का सफर तय किया उन्होंने नौ घंटे पंद्रह मिनट का ओके तो यहाँ पे जो अभी का आज का जो चैप्टर है हमारा ये क्या हो जाता है वो का बोलो जय जवान जय किसान हाँ भाई जय जवान जय किसान हम सब आजाद है ठीक है स्वराज्य हा मा जन्म्दाधिकारा है मेरी आवाज थोड़ी सी लो हुई है क्योंकि मैं पिछले एक घंटे से आपका लेक्चर ले रहा हूँ आपके लेक्चर के पीपीटी बनाया और इस दौरान मैं भूल गया कि मेरे को पानी भी पीना है तो मेरे को बहुत प्यास लगी है फटाक से आपका लेक्चर जो है तो हो गया है लास्ट का बचा है तो ठीक है मेरे को बहुत जोर से पानी की ता, माला पानी से टालने लगनी है तो मैं लेक्चर जो अपना संपले ला है इसलिए मेरी आवाज जो थोड़ी सी लो हो गई है कोई बात नहीं एनर्जी लेवल डाउन हो जाता ना हम जब ग्लूकोस वगैरह नहीं लेते हैं oh, है? है। है, तो हम आप मेरे को में जरूर बताए कंफ्यूजन हम सोल्व कर लेंगे उसके पहले देख लिया के प्लस के सब्सक्रिप्शन के जो, जो हैं दस से ज्यादा प्लस सब्सक्रिप्शन के जो फीचर्स है बच्चों वो यहाँ पे बताए गए है लेकिन आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत 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 ज्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं चलो ये दस फीचर्स क्या है देख लेते हैं यहाँ पे आपको जो है ना टॉप एडुकेटर मिलेंगे और मल्टीपल लैंग्वेज में मतलब मराठी हिंदी और इंग्लिश तिघा भाषे में तुम्हारा शिक्षनारे मुला बैच कोर्स है तुम्हारा जी बैच आवड़ते तो कोर्स जो है ज्वाइन करू सकता लाइव टेस्ट सीरीज है आप वहाँ वहाँ पे टेस्ट दो तथा उत्तर तुम्हें चुकी से देता है का खरोत्तर देतात ते तुम्हाला समजून जाईल प्रॅक्टिस टेस्ट बी होते रेग्युलरली स्टडी जो मटेरियल आहे त्याचं आपण पीडीएफ फॉर्मॅटमध्ये त्याची फाईल जे आपण डाउनलोड करू शकतो ठीक आहे अनलिमिटेड ऍक्सेस म्हणजे की चोवीस तास आणि तीनशे पासष्ट दिवस है, जे आहे ते आपण अनलिमिटेड ऍक्सेस जे आहे ते आपण इथे काय करू शकतो एम आ आपण चस्तोला चस्तोला ठीक आहे आम्ही सर कुछ पेन आणि रिंग्स वगैरे मी मैं पेनता था पहले तो मैं खोल के रख देता कि क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ठीक आहे आप इतना जो है इसको फ्री आई मीन प्लस सब्सक्रिप्शन के बाद में चौबीस में यानी कि आप एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन की फी पे एड कर दो फिर कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता प्लस सब्सक्रिप्शन की फी क्या है तो अगर आप एक महीने के लिए देखेंगे बच्चों तो मात्र दो हजार रुपए लेकिन इसमें और अगर आप ज्यादा 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 का अगर आप लेते हो आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे आप लॉन्ग टर्म का विचार है कि हाँ मेरे को दो साल या फिर एक साल के लिए अन अकेडेमिका का सब्स्रिप्शन ले तो आपको इतना फी पेड करना ही नहीं बच्चों बारह महीने के लिए अगर आप लेंगे तो मात्र हजार रुपए महीना चौबीस महीने के लिए लेंगे तो मात्र आठ सौ तैतीस और अभी बेस्ट ऑफर चल रही है इसका आपने फायदा उठाना चाहिए बच्चों और महीने के लिए अगर आप लेते हैं यानी कि अगर आप चार साल के लिए लेते हैं यानी कि आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेवेंथ स्टैंडर्ड और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सबका काम जो है वो यहाँ पे बनने वाला है आप चारों साल जो अन का प्लस सब्सक्रिप्शन है इस रेट में आप एंजॉय कर पाएंगे 667 हंड्रेड प्रति माह इतने शुल्क पे भाई पानी पूरी और बाकी के लाली लिपस्टिक के खर्चे हो जाते हैं हमारे तो तो स्टडी के मामले में इतना क्यों सोचना ठीक है आप, आपको अगर कोई मूवीज वगैरह देखनी है तो आप उसका क्या करते हो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो ये तो आपके पढ़ाई का बेटा जो है वो सवाल है और आपको इतने भी पेड नहीं करने अगर आप माहिश सर का एडुकेटर कोड यूज करेंगे माहिश जीरो तो वन इस पर भी आपको दस परसेंट जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और बहुत सारे फीचर भी मिलेंगे मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है प्रति माह देना है बोलो इससे ज्यादा और क्या ऑफर देगी आपको ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफर है तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए जल्द से जल्द उठाना चाहिए इस पे भी और एक ऑफर आपको दी गई है कि अगर आप इतना सारा पैसा एक साथ नहीं पेड कर सकते तो आपको नो कॉस्ट ई एम आई यहाँ पे दिया गया है इस पे कोई भी जो hidden charges, hidden बत, है हिडन चार्जेस हिडन इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं जीरो परसेंट इंटरेस्ट पे आपको क्या है मतलब आज आप सब्सक्रिप्शन ले लो ठीक है और ई के अंदर क्या है आपको पैसे देने, कि थोड़े -थोड़े करके पैसे देने किसी भी प्रकार का टेंशन लेना नहीं है फुल टू जो है वो करना है ड्यूरिंग द लेक्चर लेक्चर के बाद भी और एडुकेटर कोड यूज करना ना बोले साथ ही अगर आप समझो चार साल का नहीं लेना चाहते आप बारह महीने का भी लेना चाहते हो तो भी आपको ऑफर है बच्चों जैसे दस परसेंट कूपन पे डिस्काउंट मिलेगा ये बारह महीने के साथ छह महीने जो है वो फ्री भी मिल जाएंगे चौबीस महीने के साथ भी छह महीने जो वहां पे फ्री मिल रहे मतलब बारह के लिए पेड करो अठारह मिल रहे चौबीस के लिए पेड करो तीस मिल रहे पहले हजार सब्सक्राइबर के लिए ये ऑफर है जल्दी से जल्दी आप इसको सब्सक्राइब कर लो ये ऑफर को आई मीन I mean जल्दी से जल्दी आप जो है प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो टेन परसेंट डिस्काउंट भी जो है वो यहाँ पे चल रहा है जल्द से जल्द जो है इस ऑफर का आपको क्या उठाना चाहिए फायदा उठाना चाहिए बच्चों ठीक है और हमारी जो अपकमिंग बॅचेस कि ये बैचेस बॅचेस चालू हो गई है पंधरा जनवरी तक के बॅचेस चलने वाली है कि याच्यात तुमचे जे मनपसंद जी, जी भाषा आहे ना मुलांना त्या मनपसंद भाषेमध्ये हे जे ट्यूटर आहे ते तुम्हाला शिकवणार आहे म्हणजे जसं तुम्हाला मध्ये कम्फर्टेबल वाटतं किंवा तुम्हाला मराठीमध्ये कम्फर्टेबल वाटतं तर क्लास नाईन्थ आणि क्लास साठी जे आहे आम्ही दोघं भाषेमध्ये हे जे लेक्चर्स आहे हे जे बॅचेस आहे हे अवेलेबल करून दिलेले आहे ने आणि हे अन अकॅडमीच्या सगळ्यात बेस्ट ट्यूटर आहे सगळ्यात बेस्ट टीचर आहे हे सगळेचे सगळे तुम्हाला ज्यांचं लेक्चर आवडतं तुम्ही त्यांचे लेक्चर बघू शकता ऑन टाइम ठीक आहे तो इससे आपको में बेनिफिट है आहे ये रहा बग्स बाउंड्री बग्स बाउंड्री म्हणजे तुम्ही एखादा शिक्षकाचं तुम्ही इथं लेक्चर बघताय आणि त्याच्या मध्ये तुम्हाला काही इन एप्रोप्रिएट कंटेंट जर तुम्हाला वाटलं का नाही हे थोडंसं काहीतरी चुकीचं वाटतंय तर तुम्ही काय करू शकता त्याच्याबद्दल आम्हाला इन्फॉर्मेशन देऊ शकता बग्स बांड्रीच्या या मध्ये लिंक दिलेली असेल त्याच्याबद्दल त्याबद्दल त्या बद्दल तुम्ही मला इन्फॉर्मेशन देऊ शकता त्याच्या बदल्यामध्ये तुम्हाला भेटणार आहे त्या इन्फॉर्मेशनच्या बदल्यात तुम्हाला भेटणार आहे खूप सारे जे अवॉर्ड आहे जे प्राइज आहे ते अनअकॅडमीकडनं तुम्हाला भेटणार आहे अशी सुविधा तुम्हाला दुसरी कुठेच भेटणार नाही मुलांना तो आजच याचा काय करा फायदा उचला प्लस सबस्क्रिप्शन घ्या टेन पर्सेंट डिस्काउंटचं बेनिफिट घ्या आणि सबस्क्राईब करा अनअकॅडमीचा एस बोर्ड चॅनलला हे बघा तुम्ही एम एस बोर्ड चॅनलच्या सबस्क्राईब बटनवर क्लिक केलं ना ते असं ग्रे होऊन जाईल ग्रे हो प्रेस करते वक्त बेल आयकन ना बुले ताकि मेरे व्हिडीओ की सबसे पहिले नोटिफिकेशन जो आहे वापको मिल जाए ठीक है और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें लाइक करें वीडियो को ठीक है ज्ञान को जो है बांटते रहे ज्ञान बांटने से क्या रहता है बढ़ता रहता है चारों तरफ से ज्ञान हमको क्या करना चाहिए बटोरना चाहिए बाबा रणछोड़ दास की ये जो है कहावत है तो चारों तरफ से ज्ञान बटोरना चाहिए जहां से मिले जितना मिले बस बटो बटोर लो ठीक है आज का कहना ऐसा है कि एक गिलास दूध के साथ में दो जो बादाम है वो उसमें डाल के जरूर जो दूध है वो पिए जिससे हमारा आपका जो माइंड है वो क्या होगा एकदम स्ट्रांग हो जाएगा तेजी से चलेगा दौड़ने लगेगा एग्जाम में टॉप करने में आपको बहुत मदद मिलेगी ठीक है दूध पीना है आपने उसमें दो बादाम डाल के भले आधा गिलास पियो लेकिन आपने पीना है तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आपसे आज के लिए मिलते हैं शाम को पाँच बजे टेंथ स्टैंडर्ड के लेक्चर में ठीक है तो अलविदा लेते हैं